अरमान जाने वाला है नशे की हालत में अभीरा से मिलने के लिए। जी हाँ कल दोस्तों आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता का, और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अरमान जाने वाला है नशे की हालत में अभीरा से मिलने के लिए। जी हाँ कल दोस्तों यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अरमान जो होता है वो नशे की हालत में होता है, और नशे की हालत में फाइनली वो दादी से लड़ जाता है। जी हाँ, और साथ ही साथ अरमान को ऑलरेडी कई सारी बातें पता होती है अभीरा के बारे में। अभीरा के साथ जो भी जुल्म हुआ होता है वो दादी सही करती है, ये बात अभी अरमान को पता चल जाता है। और अरमान नॉर्मल चीजों में वो बात नहीं कर पाता है दादी से, इस वजह से वो नशे की हालत में बात करता है दादी से, और नशे की हालत में ही लड़ने लग जाता है दादी से। और वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि बातों बातों में ही उसको भी रियलाइज होने लग जाता है कि वो अभीरा के साथ कितना ज्यादा खुश था। जी हाँ, वेल वो भी थोड़ा बहुत अभीरा को पसंद करने लग चुका था, इसको बातों बात में ही याद होने आने लग जाता है। जी हाँ, कि वो अभीरा के लिए हर चीज के लिए लड़ जाने के लिए तैयार हो जाता था, अभीरा के साथ हमेशा खड़ा होता था। जी हाँ, और ये सब रियलाइज्ड होने के बाद फाइनली वो बोलने लग जाता था कि मुझे अब अभीरा से मिलना होगा। जी हाँ, और वो नशे की हालत में फाइनली अभीरा के पास चला जाता है। वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, क्या अरमान अभीरा से मिल पाएगा। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, और अरमान अभीरा से मिल पाएगा या फिर नहीं, और दादी सा अरमान को रोकेगी या फिर नहीं, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किस टाइप का क्वेरी वगैरह हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।